अभी 2 दिन पहले एक भाई अपने घर से भाग आया था, जो कि मेरे को एक रोड पे बैठा हुआ मिला था। ये वो भाई, आप इसकी एक बार शक्ल देख लो। मैंने वीडियो भी बनाई थी इस भाई के लिए कि ये भाई अपने घर से भाग के आ गए, थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है। तो ये वाला भाई मिल गया और इसकी फैमिली यहाँ पर आ चुकी है इसको लेने के लिए। एक बार आप लोग आ जाइए। ये हमने एक एनजीओ में बैठा दिया था ताकि आराम से रह सके, और मेरी वीडियो को देख के इनकी फैमिली यहाँ पर आ चुकी है। आप लोग इनकी फैमिली को ना, तो भाई आपके क्या लगते हैं? ये मेरा साला लगता है। आपके साले लगते हैं? तो मतलब भाई ये कैसे घर से कैसे निकल के आया? ये कम बुद्धि का है, कम बुद्धि का है, आ रहा बिहार से स्टेशन से, अपने आप ही बैठ के आ गया। अपने आप बैठ के आ गया भाई। ये वाला भाई है, फिर पब्लिक बोल देते कि जोगिंदर तू बेफालतू में वीडियो बनाता है। वीडियो बनाई, अगर मैं इस भाई के लिए वीडियो नहीं बनाता तो शायद ये वाला भाई आज अपने परिवार वालों से नहीं मिलता। मिलता नहीं मिलता भाई। जोगिंदर भाई की बहुत बहुत मेहरबानी है जो वीडियो बना के पोस्ट किया और हम इस तक पहुंच सके। भाई बस ये आप लोगों का प्यार है, ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहना हमेशा, जैसे ये वाला भाई अपने परिवार तक गया है। कितना टाइम हो गया था मतलब इसको, कुछ इनके फैमिली वैमिली वालों के? संडे से निकला हुआ है। 25 तारीख से लापता है। अच्छा, 25 तारीख को ये भाग गया था अपने घर से, मेरे को रोड पे मिला था, वीडियो बनाई थी। एक एनजीओ है द अर्थ सेवियर फाउंडेशन, इस पे ले आए थे हम इसको भाई को, और हमने इस भाई को यहाँ पर एडमिट करवा दिया था जैसे भी एनजीओ का था। फिर इनकी फैमिली ने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद इनकी फैमिली यहाँ पर आई स्पेशल लेने के लिए। ये इनकी फैमिली है, आप क्या लगते हो भाई इनके? मेरा साला है ये। अच्छा, ये इसकी सिस्टर है। ये इनकी सिस्टर है, ये आपकी सिस्टर है? अच्छा, ये भाई है, थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है। तो सारे भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग ना भाइयों को सपोर्ट क्या करो जितना हो सके, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका कोई नाम वाम है भाई? आशीष। आशीष, आशीष नाम है। अच्छा, मतलब ये माइंड से शुरू से ऐसा है क्या? अभी हुआ है, पढ़ते पढ़ते हो गया लगभग 10-12 साल से। अच्छा, ये पढ़ाई करता था। तो इनके फादर का नाम क्या है? डॉक्टर गणेश प्रसाद। तो मतलब आप लोगों ने देखा नहीं है तब कहीं से भगा था, किसी पर कॉल कॉल नहीं आई थी कि ये लड़का भगा है कहीं से? नहीं, आपने करा था, आपकी वीडियो देख के हमें पता लगा। तो भाई ये फायदा होता है वीडियो बनाने का, एक वीडियो के कारण और आप लोगों के प्यार के सपोर्ट के कारण ये भाई अपनी फैमिली तक मिल चुका है। ऐसी प्यार बताओ, बोलो क्या हुआ? थैंक यू जोगिंदर भाई जी ने वीडियो शेयर किया, हम इसलिए इस बच्चे को माँ मिल गई और मुझे मेरा भाई मिल गया। थैंक यू सो मच भाई। आप कुछ कहना चाहोगे? धन्यवाद, थैंक यू, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनको गलत मत समझिएगा भाई, गलत समझने की बात नहीं है, हमारा काम है सेवा करना, जितना हमारे से होगा हम लोग और अपने भाइयों के साथ सेवा करते हैं। ये भाई थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब था और इसको पता नहीं था ये कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, पर वीडियो के कारण, आप लोगों की सपोर्ट के कारण इस भाई की वीडियो पूरे देश में गई और इनकी फैमिली वाले इसको यहाँ पर लेने के लिए आ गई, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण। तो सारे भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहना हमेशा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट करोगे तो ऐसे पता नहीं कितने सारे भाई है जिनकी मदद हो पाएगी। देख लो, ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है और ये यहाँ पर एनजीओ है सामने। किसी भाई को अगर पता करना हो तो यहाँ पर एक बार आ सकता है। और सारे भाई को एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको कोई रोड पे ऐसा कोई भाई मिले थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब या कोई गरीब आदमी, तो उनकी सेवा करना जितना हो सके, ठीक है? आप इनको ले जा रहे हो, एक बार आप इनका गाँव का एड्रेस और अपना थोड़ा बता दीजिए कहाँ पर है, ताकि पब्लिक को पता चल जाए। आप बता दो भैया एक बार। मेरा एड्रेस ओखला फेस 1। अच्छा, दिल्ली में रहता हूँ। हाँ, और ये रहने वाला आरा बिहार का। आरा बिहार का ये रहने वाला है। इधर आओ भाई, इधर आओ भाई। इन्हें थोड़ा बहुत समझ आता नहीं आता वैसे? समझता है थोड़ा। समझता है? इनको जानते हो आप? इनको जानते हो? मामा है। मामा है भाई, जानता है फिर भी कि मामा है। इसको जानते हो भाई? ये कौन है? ये कौन है? ये मौसी है। और उनको जानते हो? अच्छा, ठीक है भाई। आप लोगों के सामने वीडियो बनाई थी, एक हो गया था एनजीओ में डलवाया था, और आप लोगों के सामने इनकी फैमिली को हैंडओवर कर रहे हैं। और आज के बाद भाई आप ही इनके फैमिली तक पहुंचा देना, ओके? हमारा काम यहाँ तक ही था, इनकी फैमिली को इस लड़के को पहुंचा दिया गया आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो शेयर कर देना, और सारे भाइयों को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार किया। एक भाई जो मेंटली डिस्टर्ब था वो अपनी फैमिली तक पहुंच पाया, क्योंकि इसको पता नहीं था कि मेरा घर कहां पर है, मैं कौन से गाँव से हूँ। फिर भी इस भाई ने मेरी वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद इस भाई ने स्पेशल फोन किया और मेरे को बोला कि भाई ये हमारी फैमिली का है, कृपया करके आप आ जाइए एक बार, इनको हमें दिला दीजिए। तो मैं स्पेशल भाई के पास आया और इनका जो भी है भतीजा लगता है, क्या लगता है? साला, इनका साला इनके हाथ में दे दिया, और इनके माँ बाप जो भी कुछ है कल वो आएंगे बिहार से और इनको लेके चले जाएंगे, ठीक है भाई? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लव यू सारे भाइयों को।